तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है झारखंड की सियासत से, और बड़ी खबर ये है कि चंपई सोरेन पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने। विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं चंपई सोरेन, चार विधायक उनके साथ मौजूद हैं। ये चार विधायक हैं आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, चंपई सोरेन खुद हैं, माले विधायक विनोद सिंह हैं राजभवन में, एमएलए सत्यानंद भोक्ता भी राजभवन में मौजूद हैं। राज्यपाल ने इन पांच विधायकों को राजभवन बुलाया था। तो झारखंड की सियासत आप देखिए किस तरीके से, हेमंत सोरेन को एक दिन की जेल, कल रिमांड पर फैसला होना है, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। इस बीच नई सरकार को लेकर ये रस्सा कशी, राज्यपाल से मुलाकात की है चंपई सोरेन ने, जिनका नाम तय किया गया था नेता के तौर पर, और ये तस्वीर साफ हुई थी कि हेमंत सोरेन की जगह वो गद्दी संभालेंगे। लेकिन फिलहाल मुलाकात राज्यपाल से उनकी पांच विधायकों के साथ, नई सरकार बनाने को लेकर बातचीत, लेकिन आखिर कब, इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार बनाने का दावा पेश किया है चंपई सोरेन ने। तो झारखंड की सियासत में उस वक्त उबाल आ गया था जब पहले हेमंत सोरेन लंबे समय तक अनट्रेसेबल रहे, फिर उसके बाद सामने आए लंबी बैठकें, ईडी का कसता शिकंजा, ईडी की कस्टडी, गिरफ्तारी, और उस बीच राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा गया। चंपई सोरेन का नाम निकलकर सामने आया नए नेता के तौर पर। और इस वक्त की यह तस्वीर देखिए, जब राज्यपाल से मुलाकात करके बाहर निकले हैं चंपई सोरेन, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब नेता पद के तौर पर चंपई सोरेन का नाम फाइनल हो गया तो आखिरकार अभी तक सरकार बन नहीं क्यों नहीं पाई, क्या जेएमएम में कोई बड़ी खटपट चल रही है, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? और इस खटपट सब कुछ ठीक नहीं, इन तमाम खबरों के बीच में चंपई सोरेन ने मुलाकात की है राज्यपाल से। राज्यपाल से मिलने के बाद चंपई सोरेन ने यह कहा है कि नई सरकार बनाने का हमने प्रस्ताव दिया है, राज्यपाल से हमने बातचीत की है, नई सरकार गठन को लेकर क्या प्लानिंग है इस बात की जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपने देखी सुनी, चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है, दावा पेश किया है। आगे रुक करते